क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपको डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.3 हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके हमको शीर्ष दिए हैं, तो उसमें हम डिटरमिनेंट का कैसे उपयोग करेंगे आज हम आपको बताएंगे। तो ये हमें पहले 9 एक्स में फॉर्मला पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 / 2 - 3 प्लस x2 / 3 - 2 + x3 - 2। तो इसको हम सारणी रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसका तरीके लिख देते हैं 1/2, देखिए यहाँ पर x1 / 1 यहाँ पर लिख देते हैं, x2 / 2 यहाँ पर लिख देंगे, x3 / 3 यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम इसका इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर हमको त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और क्षेत्रफल निकालना, सारणी का हम प्रयोग कर सकते हैं, सारणी विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना। हमको बिंदु दे रखे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना, खाली सवाल में 3 करना है ये बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने आप लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सूत्र होता है, यहाँ देखिए x1 / 1 ऐसे x2 / 2 x3 / 3 और ये आप इसमें देखते हैं जिसमें अधिकतम रो या कॉलम जिसमें अधिकतम शून्य होते हैं उसके सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। यहाँ प्रसार कर दीजिए, तो देखिए इसमें अधिकतम 0 है, यहाँ प्रसार करेंगे तो 1/2 ये चिन्ह देख लेंगे, प्लस माइनस, तो माइनस का 3 आएगा, एक कैंसिल, इसकी से गुणा 1 हो गया, इसकी से गुणा माइनस का 6 हो गया, तो -3 - 5 = 0 हो जाएंगे, इनमें 0 पहला एलिमेंट जो सारे 0 हो जाएंगे, तो 7.5 वर्ग इकाई। अब इस तरह सवाल नंबर 3 देखेंगे, हमको k का मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, यानी हमको k का मान निकालना है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया 4 वर्ग इकाई, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्न दिख रहे हैं k, 0, 4, 0, 0, 2। तो ये ध्यान दें जब हमको क्षेत्रफल दिया होगा तो सारणी का मान हम प्लस माइनस का प्रयोग करें, 4 दिया तो हम प्लस माइनस 4 लिखेंगे, ये सूत्र होता है 1/2, यहाँ पे k, 0, 1, 4, 0, 1, 0, 2, 1। अब हम देखिए इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं, सिर्फ उसके सापेक्ष को ए प्लस माइनस का 1/2 माइनस का 2 आएगा, एक कैंसिल, इसकी से गुणा के इसकी से गुणा हुई 4। अब क्या करेंगे, इसको दे दीजिए माइनस का के प्लस का 4, अब यहाँ पे जो प्लस का साइन लेंगे तो 4 माइनस के प्लस का 4, 4 कैंसिल, के का मान 0 आ गया। अब हम निगेटिव साइन लेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, माइनस का के प्लस का 4, एक उधर लाएंगे तो 4 + 4 = 8, के का मान क्या निकलोगे 8 हो गया। तो इस एक्सरसाइज के जो विशेष सवाल है वो आप लोग स्वयं करेंगे, कॉपी भी बना लें अति शीघ्र। धन्यवाद।